गोंदिया शहर के हनुमान मंदिर के पंडित ने ट्रेन के अचानक रद्द होने से हो रही असुविधा को लेकर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज की है। ऐसे में आयोग ने पंडित के पक्ष में फैसला सुनाकर रेलवे को झटका दे दिया है और रेलवे द्वारा किए गए सभी खर्चों का भुगतान भी किया है। गोंदिया शहर के सिविल लाइन हनुमान नगर के पुजारी पंडित सुरेंद्र शर्मा को अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ 25 अगस्त 2022 को अखंड रामायण पाठ कार्यक्रम के लिए 30 अगस्त 2022 को अपने मूल गांव स्थित मनोहरपुर जयपुर राजस्थान लौटना था। इसके लिए उन्होंने 19 मई 2022 को पूरी बीकानेर ट्रेन में टिकट बुक कराया। इसके अलावा नए कपड़े और पूजा के लिए आवश्यक अन्य खर्चे वहां किए गए थे, लेकिन रेल विभाग ने अचानक 24 से 30 अगस्त तक ट्रेनों को रद्द कर दिया। इसके चलते पंडित सुरेंद्र शर्मा कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके और उन्हें नुकसान उठाना पड़े। पंडित सुरेंद्र शर्मा ने अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग में शिकायत दर्ज की है। शिकायत के सुनवाई के दौरान आयोग ने पंडित शर्मा और रेल विभाग का पक्ष सुना। तत्पश्चात आयोग के अध्यक्ष भास्कर योगी व सदस्य सरिता रायपुरे ने रेलवे विभाग को आदेश दिया कि पंडित सुरेंद्र शर्मा एवं उनके परिवार को कपड़े के लिए 42,140 रूपए, 4 शिकायतकर्ताओं को हुए मानसिक कष्ट के लिए 10,000 रूपए का भुगतान किया जाए, 40,000 रूपए, 20,000 रूपए अदालती कार्यवाही व 50,000 रूपए मुआवजे के रूप में देने का आदेश भी इस दौरान दिया गया। साथ ही एक महीने के भीतर राशि का भुगतान नहीं करने पर 9% की दर से ब्याज जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं तो संबंधित अधिकारियों के वेतन से 50,000 रूपए अर्जित कर उस राशि को आयोग के खाते में जमा करने के आदेश भी इस दौरान दिए गए। 22 अप्रैल में 27 अप्रैल को शायद जीते हमारे भतीजे की, तो उस समय राजस्थान से करीब 40 लोग आए थे शादी में। तो यहाँ आने के बाद में मालूम पड़ा कि भाई ये वापसी जाने का गाड़ी कैंसिल हो गई, तो आने जाने दोनों रिजर्वेशन बनाया हुआ था दोनों का। तो उसके बाद में कैंसिल होने के बाद सबको तनाव हो गया भाई कैसे जाएंगे क्या होगा। फिर शादी के 2-3 दिन बाद में उनकी व्यवस्था की, तो कुछ लोग तो हवाई जहाज से गए इंदौर और कुछ लोगों को बस द्वारा हम भेजे, उसमें 1,00,000 रुपया का खर्चा आया। उसके बावजूद फिर हमारा 25 अगस्त 2022 का टिकट था जयपुर जाने का, और 24 अगस्त को अचानक गाड़ी रद्द कर दी गई पूरी जोधपुर को, और रात को 9:30 के बाद में मैसेज आता है बोले आपकी गाड़ी कैंसिल हो गई। अब रात को आधी रात में कौन सी व्यवस्था कर जाने के लिए करेगा व्यक्ति। फिर सुबह रेलवे स्टेशन पर गए तो वहाँ कोई संतोषक जवाब मिला नहीं हमारे को। फिर हमने कलेक्टर साहब को आवेदन किए, डीआरएम जीआरएम और केंद्रीय मंत्री को रेलवे विभाग को हमने लेटर दिए, तो वहाँ से जवाब आता कि बोले आपने जो सुझाव दिए उसके लिए सराहनीय है और आप को जो असुविधा इसलिए खेद प्रकट करते हैं। बोले तीसरी लाइन का काम होने के कारण बिलासपुर नागपुर के बीच में पूरी एक्सप्रेस सुपरफास्ट पैसेंजर गाड़ियों को रद्द किया गया था 22 अगस्त से 29 अगस्त तक। फिर मैं वहाँ स्टेशन पर देखा तो 2-3 गाड़ियाँ वहाँ इधर से आना जाने वाली थी और मालगाड़ी भी निकल रही थी। हमने पूछा भाई आप तो बोल रहे थे ये गाड़ियाँ बंद है, ये कैसे निकल रही हैं, तो कोई जवाब नहीं दिए। फिर हमने लेटर दिए, स्टेशन पर गया, फ़ोन वोन किए, फिर वहाँ से जवाब आते बोले आप व्हाट्सअप नंबर दो, व्हाट्सअप नंबर पर हमारे को उन्होंने ट्रेनों का वो दिया, तो उसमें आधी से ज़्यादा ट्रेनें चलू थी, हमारी ट्रेन पूरी जोधपुर रद्द थी। उसके खिलाफ हम कोर्ट में गए अब ताकि आगे जाकर रेलवे की व्यवस्था सुधरे, और वहाँ जाने के बाद में हमने पूरे सबूत दिए वहाँ पर, और देने के बाद हमारे पक्ष में फैसला आया। 1 महीने का समय दिया न्यायालय उनको 1,52,000 रुपया हमारे को देने के लिए। NBC News के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।